प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 11वीं वंदे भारत की सौगात दी। आपको बता दें कि ये ट्रेन मध्य प्रदेश के भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से दिल्ली तक चलेगी। आज प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश से रवाना किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे लगातार विकास कर रही है, इसके साथ ही आधुनिक भी हो रही है। इसका साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के अलग अलग इलाकों में करीब 1200 ऐसे स्टेशन हैं जिसको वर्ल्ड क्लास बनाना है, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 80 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाना है। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि जो वंदे भारत एक्सप्रेस आज चलाई जा रही है वो शुरुआती दौर में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद तमाम जो स्कूली बच्चे हैं उनके साथ भी बातचीत की। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आज देश को 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस और मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी वंदे भारत एक्सप्रेस देश को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेमौसम बारिश ने फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वे के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें प्राथमिक तौर पर 9 जिले ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिनमें ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की, जिसमें उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग, खाद्य रसद विभाग, राहत आयुक्त, साथ ही साथ अन्य विभागों के अफसर भी मौजूद रहे, जिसमें यह चीजें देखने की कोशिश की गई कि जहां पर इस तरीके का नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी मदद वहां पर पहुंचाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, जहां धन हानि, पशु हानि या किसी तरीके की फसल की हानि हुई है वहां तत्काल आकलन कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। वो किसान जिनकी फसल प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आच्छादित है उनको भी तत्काल राहत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जो गेहूं की गुणवत्ता इस अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से खराब हुई है उसके लिए गेहूं खरीद के नियम भी शिथिल किए जाए और उनको भी MSP के आधार पर ही खरीदा जाए ताकि किसानों को राहत दी जा सके। साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों को भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि अर्थ अलर्ट सिस्टम को लागू करें ताकि किसानों को ऐसे मौसम की जानकारी 24 से 48 घंटे पहले मिल सके ताकि होने वाली क्षति को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तबादला एक्सप्रेस पूरी तेजी से दौड़ती नजर आ रही है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो 100 से अधिक DG लेवल से लेके IPS, IAS और PPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जहां कल नया DG मिला है वहीं स्पेशल DG रैंक के 2 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, 3 DG रैंक के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ IPS अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था के लिए जाने जाने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से कानून का राज स्थापित करते हुए ऐसे निर्णय लिए हैं। साथ ही साथ अगर आपको बता दें जीरो टॉलरेंस और तमाम जो अंत्योदय तक की योजनाएं हैं उनके लिए IAS और PPS अधिकारियों को नवीनतम तैनाती दी गई है। माना जा रहा है निकाय चुनाव के पहले ऐसी तबादला एक्सप्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में चलती रहने की संभावना भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश अबकारी नीति 2023-24 के अंतर्गत अब शराब पीने वालों को अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे। यानी कि ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में अबकारी नीति जो नई लागू हुई है उसके अंतर्गत आज से ही इन दामों में वृद्धि कर दी गई है। 5 रुपए से 10 रुपए तक देसी शराब में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही साथ 15 रुपए से 20 रुपए तक बियर और अंग्रेजी शराब में बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब लाइसेंस धारकों को भी अधिक मूल्य चुकाने पड़ेंगे। जो अभी तक 2 लाख रुपए पे करते थे अब उन्हें जो है 3 लाख रुपए सालाना देना पड़ेगा। ऐसे में जिस तरीके से नीति लागू की गई है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में 3 बड़े जिले हैं जहां पर इनको सबसे अधिक वृद्धि मिली है, यानी कि नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद जैसे शहरों में इस पे अधिक दाम चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ में जो इन 3 बड़े जिले हैं उन 3 बड़े जिलों के अंतर्गत बड़े रेस्टोरेंट हैं उनमें अगर आप शराब पीते हैं तो उसको लेकर के भी अधिक मूल्य चुकाने पड़ सकते। एक दिवसीय दौरे पर कांग्रेस नेता अजय राय अमेठी पहुंचे और अमेठी पहुंच करके उन्होंने मुख्यालय गौरीगंज के कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में उन्होंने
भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कर्नाटक में जो है भाषण दिया था और भाजपा सरकार ने गुजरात में ले जा करके उनके ऊपर मुकदमा लिखवाया और मुकदमे में जैसे ही उनके ऊपर फैसला हुआ और जैसे ही उनको 2 साल की सजा सुनाई गई वैसे ही उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त करवा दी गई। लोकसभा सदस्यता समाप्त करवाने के तुरंत बाद ही उनको जो है बंगला खाली करने की नोटिस थमा दी गई। इस तरह से उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए अमेठी की बात किया और कहा कि अमेठी में जिस तरह से कांग्रेस ने कल कारखाने लगवाए थे वही कल कारखाने आज भी अमेठी में मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अभी तक एक भी कारखाना यहां नया नहीं लगवाया है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनावी वादे को याद दिलाते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने चुनावी वादा अपना किया था लेकिन अभी तक उन्होंने वादा अपना पूरा नहीं कर पाया। जनता को भाजपा सरकार गुमराह कर रही है, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रही है और जो है राहुल गांधी पर जो है लगातार जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो कि ये भाजपा सरकार की एक सोची समझी राजनीति है। 29 नवंबर 2005 बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से एमपी एमएलए कोर्ट में बहस चल रहा था जो गंगेश्वर एक के तहत बीएसपी से सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, एजाजुल हक जो बहस आज पूरी कर ली गई है। 15 अप्रैल को डेट रखा गया है। गाजियाबाद के मोदी नगर ग्राम विशोखर में गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने 2 भाई बहनों को गिरफ्तार किया है जिनके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया जा रहा है। रिहान नाम की महिला जो कि ग्राम विशोखर में रहती है, उसके भाई जो कि मेरठ के मवाना से गिरफ्तार किया गया है, उसके द्वारा मोदी नगर के ग्राम विशोखर में फर्जी एक तरह का कॉल सेंटर चलाया जा रहा था जिससे राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ जो होनी बताई जा रही हैं। दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से गुजरात पुलिस को अत्याधुनिक मशीनें मिली हैं जिनके द्वारा रोजाना 20 से 25 हज़ार मोबाइल कॉल की जा रही। दाद में खाद का काम इन दिनों बरसात का पानी कर रहा है, या ये कहा जाए कि बरसात लोगों के लिए जीना दूभर कर दिया है। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल से सटे हुए लगभग आधे दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पे सीवर ओवरफ्लो का समस्या पहले से था लेकिन इन दिनों बुरा हाल है। वजह ये है कि नगर निगम आधे जगहों पर नाली की व्यवस्था की है जबकि आधे जगहों पर नाली का निर्माण नहीं किया है। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीण साफ साफ कहते हैं कि इन पानियों से, इस गंदे पानियों से जहां मच्छर से हम लोग परेशान होते हैं वहीं आवाजाही में खासा परेशान होती है, जबकि व्यापारियों की माने तो व्यापारियों का ये कहना होता है कि उनके व्यवसाय पे इसका पूरा प्रभाव है। समझा जा सकता है चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कॉलोनी के वासी या फिर ग्रामीण या फिर लोग, सारे लोग इस जल जमाव से या ये कहा जाए कि नाली के सही व्यवस्था न होने के कारण खासे परेशान है। अब लोगों को इंतजार इस बात का है कि नगर निगम कब इस ओर ध्यान देता है और इस पानी के निकासी को सही। जहां संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी दिशा निर्देश देते नजर आए हैं। प्रत्येक जिले में संचारी रोग के रोकथाम के लिए तमाम योजनाओं के तहत आशा कार्यकर्त्रियों को निर्देश भी दिया जा रहे हैं। वहीं जनपद पीलीभीत में प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह जी यहां पर संचारी रोग रोकथाम के लिए जनपद में कार्यकर्त्री जो आशा कार्यकर्त्री हैं उनको भी संचारी रोग के बारे में गांव मोहल्ले में जाकर जानकारी देना और उनसे बचाव के लिए अपील करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि जनपद पीलीभीत में जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर यहां के जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी सूबे के मुखिया के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको पालन कराने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जनपद पीलीभीत में संचारी रोग, डेंगू, मलेरिया जैसी भयंकर संचारी रोग जो बीमारी पनप रही हैं उनके रोकथाम के लिए यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने हरी झंडी दिखा करके जो दस्तक अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत महिला पुरुष लोगों जनमानस को जो संचारी रोग हैं उनके बारे में जानकारी भी दी। तो वहीं आशा कार्यकर्ताओं को भी अपील की है कि जा कर के गाँव मोहल्ले में और इस संबंधित रोगों के बारे में जानकारी दी और उनसे कैसे बचाव किया। बहराइच में चरवल रोड थाने के थाना अध्यक्ष के विरुद्ध उन्हीं के थाने में भ्रष्टाचार निवारण सहित विभिन्न धाराओं में
केस दर्ज किया गया है। ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष और एक सिपाही सहित चार लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। सीओ कैसरगंज मामले की जांच कर रहे हैं। घटना के संबंध में बताया गया है कि सुनीता देवी नाम की एक महिला थी, उसके घर को जबरन सहकारी समिति के सचिव और लिपिक द्वारा खाली कराने का प्रयास किया गया था, और जब उस महिला ने थाने पर गुहार लगाई उन लोगों से सुरक्षा की, तो वहां पर थाना अध्यक्ष ने उन्हें न्याय देने के बजाय उनके पति को पीटा और उन्हें उनसे 10,000 रुपये घूस लेकर उन्हें छोड़ा गया। इस आशय की शिकायत महिला द्वारा सुनीता देवी द्वारा सीजीएम कोर्ट पर की गई और माननीय न्यायालय ने मामले घटना को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में थाना अध्यक्ष सहित चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, और ये प्राथमिकी थाना जर्रा रोड में दर्ज हो गई है और सीओ कैसरगंज इस मामले की जाँच कर रहे हैं। थाना सिकंदरा में आज गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसीपी विकास कुमार के नेतृत्व में आज गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चेतन जादौल की करीब 9 करोड़ की संपत्ति को आज आगरा पुलिस ने कुर्क किया है। इससे पहले भी कई संपत्तियों को आगरा पुलिस कुर्क कर चुकी है। लगातार सरकार की मंशा साफ है कि जो अवैध तरीके से कमाई हुई संपत्ति और जो अवैध तरीके से जो संपत्ति हैं उन्हें लगातार सरकार द्वारा चिन्हित कर उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। महोबा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। महोबा शहर कोतवाली इलाके में सुभाष नगर में 20 दिन पूर्व शिक्षा मित्र सहित चार लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 21 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी जालसा युवक से पूरा रुपया बरामद कर सभी परेशान परिवारों को बड़ी राहत दी है। पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवारों ने आज पुलिस कप्तान अपर्णा गुप्ता के बेहतर कार्यों की प्रशंसा की है। अमेठी में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पुलिस की कार्यशैली से भाजपा नेता नाराज होकर थाना परिसर के अंदर ही धरने पर बैठ गए, और धरने पर भाजपा नेता के बैठने की सूचना मिलते ही भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे और दर्जनों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर धरने पर बैठ गए। वहीं जब इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुंशीगंज थाना परिसर का है, जहाँ पर भेटुआ के मंडल अध्यक्ष भाजपा के मुंशीगंज थाना गए थे और थाना परिसर में ही थाना अध्यक्ष से किसी मामले को लेकर के बातचीत हुई, और जिसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष नाराज हो गए और भाजपा मंडल अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो है थाना अध्यक्ष की कार्यशैली सही नहीं है। इसके लेकर के नाराज भाजपा मंडल अध्यक्ष धरने पर दर्जनों साथियों के साथ बैठ गए। वहीं भाजपा के नेताओं को जब इस बात की जानकारी हुई तो भाजपा के नेताओं ने फोन से थाना अध्यक्ष से वार्तालाप किया। वार्तालाप करने के बाद थाना अध्यक्ष रिश्ते को दुहाई देते हुए और अपना छोटा भाई बताते हुए माफी मांगा और माफी मांगने के बाद मंडल अध्यक्ष जो है थाना परिसर से बाहर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखवा के गांव हाबल में पैसे के लेनदेन को लेकर गोली चली, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि गोली लगने के बाद जब गुस्साई भीड़ ने गोली मारने वाले युवक को भी जमकर पीटा, तीनों की हालत गंभीर है, जिनको हायर सेंटर में गाजियाबाद के लिए रेफर किया गया है। आपको बता दें कोतवाली पिलखवा के रजनी विहार निवासी सोनू का हाबल निवासी युवक से पैसे का लेन देन था, जिसको लेकर रात सोनू अपने एक साथी के साथ हाबल पहुंचा और पैसे की मांग की, जिस पर दोनों में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद जो सोनू है, सोनू ने गोली चलाई जिसमें दो लोगों को गोली लग गई। गोली लगने के बाद बच गई और मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने सोनू की भी जमकर पिटाई की है, जिसमें तीनों लोगों की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों को गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद घाटमपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई को कूड़ा फेंकने के विवाद में गोली मार दी। आनन फानन में ग्रामीण और परिवार वालों की मदद से निजी अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है, तो साथ ही गोली मारने वाले भाई की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है।
ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आरोपी को कब पकड़ पाती है और उस पर क्या कार्रवाई होती है। प्रतापगढ़ में दबंगों का है बोलबाला। प्रधानपति और बेटे की दबंगों ने लाठी डंडे से की पिटाई। माँ कोता दे, यह पूरा मामला जो है लीलापुर थाना क्षेत्र के कोडरा माधोपुर गांव का है। यहाँ ग्राम प्रधानपति जो है वह ब्लॉक से उनको काम मिला था, जहाँ काम कराने के लिए कोडरा माधोपुर गांव गए थे। जहाँ साइड पर उनका काम चल रहा था, वह बालू की कमी हुई वह बालू लेने के लिए ट्रैक्टर भेज दिए, जहाँ बालू ट्रैक्टर से लेकर साइड पे आ रहा था, जहाँ गांव के जो दबंग थे वह उनको रोक लिया और वाद विवाद शुरू कर दिए। उसके बाद उनको प्रधानपति को लाठी डंडे से और उनके बेटों के जमकर पिटाई कर दी, वहीं जान से मारने की धमकी दी। वहीं जहाँ पीड़ित प्रधानपति जो था वह लीलापुर पुलिस से शिकायत की, उसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद जल्द दबंगों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। आगरा के थाना सागंज स्थित रुई की मंडी फाटक के पास शराब के ठेके को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग की है कि यहां पर मंदिर के पास शराब का ठेका ना हो, जिसके चलते लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि यहां पर नज़दीकी मंदिर होने के चलते यहां पर शराब के ठेके खुलने से काफ़ी नुकसान होगा, शरारती तत्व यहां पर काफ़ी नुकसान किया करेंगे। इससे पहले थाना ताजगंज में भी अपार्टमेंट के पास शराब का ठेका खुलने को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, तो लगातार निश्चित तौर से आगरा प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसी जगह पर चिन्हित करके शराब के ठेके दिए जाएं जहां पर मंदिर न हो और लोग शरारती यहां पर शराब पीकर हुड़दंग न करें। अब देखने वाली बात यह है कि आगरा के थाना सागंज क्षेत्र में आबकारी विभाग के अधिकारी किस प्रकार इन लोगों की बात को स्वीकार करते हैं। झांसी में नवीन तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज SDM निधि बंसल की अध्यक्षता में झांसी के नवीन तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम फरियादियों की समस्याओं को जल्द निस्तारण का आदेश दिया गया। जिसमें आपको बता दें सबसे ज़्यादा शहर में जो पानी की व्यवस्था खराब है उसको लेकर समस्याएँ लोग बाग वहाँ पर आए। इसके अलावा अवैध कब्जे एवं राशन कार्ड एवं वृद्धा पेंशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है फरियादी आज समाधान दिवस में पहुँचे, जिसको देखने और सुनने के बाद SDM निधि बंसल ने वहाँ मौजूद संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। नौगावा सादार तहसील परिसर में आज संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें DM बालकृष्ण त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगे भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों की जन शिकायतों को सुना, जिसमें कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। वहीं DM बालकृष्ण त्रिपाठी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 3 का निस्तारण कर दिया गया है। वहीं जो शेष लंबित शिकायतें हैं उनका जल्द ही समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें संपूर्ण समाधान दिवस में खनन अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी समेत जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे उनसे लेकर कई विभागों के जो अधिकारी थे वह भी मौके पर उपस्थित रहे।